ইয়াসিনু মুইগে ইষ্টবাড়ি বাহাগান ইষ্টবাড়ির বাহাগান্ডত আসিহিয়ে ইহ মোর মন্ড খুশি হয়েছে বড়ি দুখিলা আগে কাহাঁ পাইছে ও ভাই সোগাই মিলিয়ে প্যাকিন করিছে কে 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 কর কে কর কে सूचना तथा मनोरंजन को साथी वेब नेपाल। हम 20 अक्टूबर को यहाँ पर 22 अक्टूबर से फार्मिंग स्टार्ट किए हैं और स्टार्ट करने के बाद हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत गर्म था, 30 डिग्री टेम्परेचर था। उस समय हम सोचे, कई लोग हमको बोले इधर में स्ट्रॉबेरी नहीं होगा, इतने तो पहाड़ों का चीज़ है, बहुत डीमोटिवेट हमको किया गया। फिर हमने कहा नहीं भाई, ये तो हम 10 साल 15 साल से खेती कर रहे हैं, कहीं भी उगा सकते हैं स्ट्रॉबेरी को। ये अभी यहाँ पर काफ़ी विजिटर आते हैं, 400 100 से कम नहीं आते, 400 500 600 तक लोग यहाँ पर देखने आते हैं डेली। अच्छा, ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का जितने फ्रूट हैं सबसे बेस्ट फ्रूट है, नेचर में पकता है ये। 45 डेज में कोई भी फ्रूट पक करके रेडी नहीं होता लगाने से लेकर के, जैसे आप बिरुआ लगा दिए, लगाने के बाद 45 डेज में कोई फ्रूट इतना जल्दी लगाने के बाद फ्रूटिंग नहीं देता है। और इतना फ्रेशनेस जो होता है इसका, इसको हर चीज़ में काम आता है। जैसे आप इसको आइसक्रीम बनाने काम आता है, कवर्ड चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, चीज़ कवर्ड स्ट्रॉबेरी, ऐसी टाइप में ढेर सारी यूज होता है। आपका आइसक्रीम है, फिर ढेर सारी जूस में यूज होता है इसको, इसके फ्लेवर को शैम्पू है, बॉडी लोशन है, साबुन है, सब कुछ इससे बनता है, इतना इम्पोर्टेंट इसका है। कल मैं काम करता हूं बाहर जाऊं भन्ने पछि त बाहर अब यस्तो ढङ्गमा खट्नु पर्थ्यो, यहाँ भनेपछि आफ्नै घर छेउमा यस्तो राम्रो भइरहेको छ, अब यदि अब मान्छेहरू पनि हेर्न आइरहेका छन्, यो काम पनि एकदम सजिलो छ, यस्तो गाह्रो साह्रो केही उठाउनु पर्दैन, जस्ट बसी बसैमै छ, यसो बोर्डहरू गरौँ यता गरौँ चाल्नु गरौँ त्यसरी पनि भइहाल्छ, यो सजिलो छ, आनन्दै छ। बाहिर भन्दाखेरि यहाँ आफ्नै ठाउँमा गरेको त धेरै राम्रो। अब स्ट्रबेरी तपाईँले यहाँको स्ट्रबेरी खानु भएको छ कि छैन? खाएको छौँ हामी, किनेर खाएको छौँ। बाहिरको पनि खाएको? के फरक पाउनुभयो? बाहिरको भनेपछि त अब अलिक खल्लो जस्तो लाग्ने, हाम्रो त यहाँ एकदम मिठो लाग्छ हामीलाई, जस रमाइलो छ यहाँ। तो आज आप देख रहे हैं स्ट्रबेरी 30 डिग्री से बिलो हो गया और अभी काफ़ी अच्छा आया स्ट्रबेरी। और यहाँ से अच्छे के लिए ऑर्गेनिक, जैसे हम इंडिया में ऑर्गेनिक करते तो वहाँ हमको काफ़ी टाइम लगता है इस फील्ड को ऑर्गेनिक बनाने के लिए, लेकिन नेपाल में केमिकल लोग कम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हम इसमें ऑर्गेनिक में पहले साल ही हमारा प्रोडक्ट दुबई में हिट कर गया। और इसके बाद जैसे यहाँ का कोई भी आदमी इसको उगा सकता है, फार्मर भी ग्रो कर सकते हैं। कंपनी ने सोचा कि फार्मरों को इनकम बढ़ाने के लिए लाओ हम फ्रूट और वेजिटेबल का फार्मिंग करते हैं ऑर्गेनिक में, लोगों के हेल्दी भी रहेगा फ्रूट खाने से, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक में भी हम प्योर ऑर्गेनिक करते हैं, जैसे कुछ बाजार में दवाइयां बिकती हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से, एनपीके के नाम से, लेकिन वो सब दवाइयां हम इधर नहीं यूज करते हैं। हम दवाइयां खुद बनाते हैं, गोमूत्र से बनाते हैं, कच्चा गोबर उसमें रहता है, नीम खली, सरसों खली और हमारा गोमूत्र, इस सब चीज़ से हम यहाँ पर ग्रो करते हैं प्लांट को। और इसीलिए आप देखे होंगे हमारे फील्ड में कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई कीड़ा इंसेक्ट किया है इसको, इंसेक्ट डैमेज किया है, जिसकी वजह से प्लांट जब हेल्दी रहेगा तो उसका फ्रूट भी हेल्दी रहेगा, और जो फ्रूट हेल्दी रहेगा तो जो उसको खाएगा वो भी हेल्दी रहेगा। अभी इसका मार्केट कैसा रहा है? मार्केट इसकी इतनी डिमांड है, हम इसको दे नहीं पा रहे हैं अभी। इसका काठमांडू आज हमारा करीब 1 टन माल आज जाएगा काठमांडू, फिर अभी हमारा प्रोडक्शन भी बहुत हाई हो गया है, 933 केजी कल हमने तोड़वाया था, आज फिर हमारा 1 टन तोड़ाई होगा, तो लगभग अब पर डे 1 टन 1.5 टन, हर दूसरे दिन 2 टन, ऐसे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। और मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, जैसे हमने हमारा मार्केट में विराटनगर में बिक रहा है, उसके बाद बिरता मोड़ में, फिर धरन में, फिर राजगढ़ में, फिर भद्रपुर, फिर काकर भिट्टा, ऐसे ऐसे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से ले जाते हैं, काठमांडू बिक रहा है। अब कितना है इसका, बिरुआ कितना है?
बिरुआ भी यहाँ पर 6 लाख बिरुआ है और अगले साल हम लोग इसको 10 लाख बिरुआ यहाँ करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन अभी हमारी यहाँ पर और है। तो 10 लाख बिरुआ हो जाने के बाद इसका प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट में आदमी का कुछ उतार चढ़ाव भी होता है, सेकंड प्रोजेक्ट में और अच्छा होगा। बाकी हम इसमें फ्यूचर प्लान में अभी कोकोनट लगाने जा रहे हैं, डेट पाम लगाने जा रहे हैं, बनाना है। इंटरक्रॉपिंग में हमारा पाइन एप्पल है और ये स्ट्रॉबेरी रहेगा। मेन क्रॉप हमारा यहाँ पर कोकोनट है और डेट पाम है। क्या फ़ायदा हुआ इधर लोकल लोग को? लोकल लोगों को रोज़गार मिला पहला बात, और दूसरा तो उनको घर के नज़दीक ही रोज़गार मिला। जो लोग विदेश जाते थे, मलेशिया गए, पता लगा इतना रुपया पा रहे हैं, वो घर में ही अच्छा फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, अपने देश में रह रहे हैं, और उनको यहाँ अच्छा भी लगता काम करने में भी, उनको प्रॉफिटेबल भी है, उनके लिए रोज़गार घर के बगल मिल रहा है, अपना सुबह आए शाम को घर चले गए। कितना आदमी को रोज़गार मिल रहा है? यहाँ भी 50 आदमी को रोज़गार मिला हुआ है, अभी और बढ़ेगा, करीब 200 आदमी को यहाँ रोज़गार मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। जो अभी जो आप इधर से सेल कर रहा है ना स्ट्रॉबेरी, वो केजी का कितना है? अभी केजी का 1000 रुपया ए ग्रेड का है और ई ग्रेड का हमारा 400 रुपया है। क्या आपका ग्रेड कैसे स्पेसिफाई करेंगे? ग्रेड में स्पेसिफाई होता है, जो ए ग्रेड का होता है उसमें दागी वगैरह नहीं रहता, कोई इसको चीटी नहीं खाया रहता है, ना कोई डिजीज उसमें रहती है, वो सब पूरा ग्रेडिंग करके हम उसको करते हैं। और जो ई ग्रेड का हमारा है उसमें क्या करते हैं, उसमें दागी रहेगा, कोई चीटी खा लिया रहेगा, वो सभी ग्रेड में हमारा जाता है, जूस के लिए यूज होता है और जैम के लिए। ये और ये से बी आता है? हाँ, बी हमने अभी हमारे यहाँ कोई कंपटीटर नहीं है, तो जब कंपटीटर आता है, अभी पहली बार यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं, तो ए बी ग्रेड की हमारे पास मशीन भी अभी नहीं आई है, मशीन अगले साल लगाएं ग्रेडिंग की, तो ग्रेडिंग करने में ए बी आसानी रहता है, तो हम बी ग्रेड सी ग्रेड साइज़ के अनुसार करेंगे और उसका क्वालिटी के अनुसार, टेस्ट के अनुसार, वैरायटी के अनुसार। खाने में क्या फ़र्क है ए और ई? खाने में कोई फ़र्क नहीं, खाने में टेस्ट सेम है, खाने में कोई फ़र्क नहीं है, खाली उसके शेप साइज में डिफरेंस है, वो डैमेज हुआ रहेगा, जो आपका ए ग्रेड है डैमेज नहीं रहेगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? ना कोई खाने में। उसमें कोई डिजीज नहीं रहती, कुछ भी नहीं। वो क्या है, जैसे रखते समय चोट लग गई उसको, उसमें रस निकलने लगा, क्योंकि बहुत रसीला आया है, प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें रस बहुत ज़्यादा हो गया, हल्का सा भी डैमेज हुआ तो खराब हो जाएगा, लेकिन उसी दिन उसको आदमी खा सकता है, उसका जूस यूज कर सकता है सेम डेज में। अभी ये जो फार्मिंग आप लोगों ने अक्टूबर को स्टार्ट किया था? हाँ, अक्टूबर में। अभी अक्टूबर से कितना महीना के बाद में फल देने लगा है? ये तो 45 डेज में 1 फ्रूट हम लोग लेते हैं, उसके बाद 2 डेज में और प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर 3 मंथ्स में एकदम बूम में हो जाता है। जैसे अभी 3 मंथ्स सभी प्लांट को हो चुका, अभी सब बूम में है। और जो हमने सबसे पहले लगाया, जो टाइम से लगाया था 28 अक्टूबर को, उसका आप प्लाट आप पीछे देखिए, एकदम बेस्ट है। अब कितना समय तक ये फल देगा? ये अभी अप्रैल के 1st वीक तक फल देगा। तब क्या होगा ये गाछ? इसके बाद अभी हम इसमें स्वीट कॉर्न लगा रहे हैं, और कुछ स्वीट कॉर्न हम लगा भी दिए हैं, और बाकी इसमें कुकुम्बर लगा रहे हैं और टोमेटो लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पास में कैली फ्लावर उसको लगा रहे हैं, इसमें वाटर मेलन है, ये सब इंटरक्रॉपिंग। ये कंपनी ने कितना लक्ष्य लिया था, ये प्रोडक्ट कितना उत्पादन होगा, लक्ष्य मीट करेगा? नहीं, पहले साल क्या कंपनी लक्ष्य नहीं लेता, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप फर्स्ट बार करेंगे तो उसमें उतार चढ़ाव होता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसलिए कंपनी एक प्लान बनाता है, हम ये फार्मिंग करेंगे, लास्ट प्रॉफिट उस साल नहीं देखता ज़्यादा कंपनी, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत होती है। इस 6 मंथ में आप देखेंगे प्रोजेक्ट को हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ जो लगा गया है ना, ये कोई निजी लगाने से किया गया, कोई इसका अनुदान से किया है? नहीं, ये कंपनी का खुद का है अपना, वो खुद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे नेपाल में कर रही है, CSR के माध्यम से किसानों को खेती कराती है, उसका मटेरियल लेती है, जो प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में सेल करती है, उनको पैसा भी प्रोवाइड करती है, बीज का, खाद का, ये सब कुछ। ये ऑर्गेनिक बोल रहा है आप, क्या ऑर्गेनिक है, क्या देते हो? ऑर्गेनिक का मतलब होता है, आप जैसे मैन्यूर है, काउडंग मैन्यूर है, प्रेस मड है, प्रेस मड का मतलब होता है गन्ने का जो बचता है ना, वो प्रेस मड उसका, और जैसे नीम खली है, ये सब मैन्यूरिंग में आता है, उसको आप, उससे हम लोग मैन्यूर बनाते हैं, जैसे नीम खली, सरसों खली, इससे अमृत रस भी बनाते हैं, तो अमृत रस भी इसमें दिया जाता है प्लांट में। इतना सारा स्ट्रॉबेरी है इधर, कोल्ड स्टोर भी है आपका? हाँ। वो कैसे काम करेगा, कितना दिनों तक कोल्ड स्टोर में रखोगे? ये कोल्ड स्टोरेज में हम 5 डेज तक रखते हैं। हाँ। और वैसे अभी हमारे पास ज़्यादा मटेरियल माल तो है नहीं, 1 टन 2 टन रोज़ निकलता है,
तो डेली का डेली सेकंड डे निकल जाता है कोल्ड स्टोरेज से। जो अप्रैल वाले आएंगे जिसका हम लोग जेम बनाएंगे, वो चीज़ें हम कोल्ड स्टोरेज में 2-3 महीने तक रखेंगे फ्रीजर में डाल के। हमारा कोल्ड स्टोरेज दो तरीके का, एक फ्रीज है उसमें फ्रीजर होता है, उसमें हम 2-3 महीना रखेंगे प्रोडक्ट को। अभी तक कितना एक्सपोर्ट हुआ, कुछ हिसाब रखा? अभी एक्सपोर्ट में केवल एक कंट्री में गया, दुबई में गया है, वो सिंपल में गया, बाकी हम लोग अभी सेल नहीं किया क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आई है, उतना हमारे पास प्रोडक्शन है नहीं। 7 टन माल उसको चाहिए, तो 7 टन तो अपने पास में है नहीं, 1 टन एक दिन में निकल रहा है, 7 टन निकालने के 7 डेज हुआ, तब तो स्ट्रॉबेरी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। इसलिए पर डे अगर 7 टन यहाँ प्रोडक्शन देते हैं तो हम बाहर मार्केट में सेल कर सकते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक कितना, अभी हम एक ही बार लेकर के गए हैं। नहीं नहीं, कि कितना एक्सपोर्ट किया नेपाल के अंदर? नेपाल के अंदर तो अभी तक 3-4 टन हो गया है। 3-4 टन इधर से आपका स्ट्रॉबेरी नेपाल में बताए ना, बिरता मोड़ आपका, काठमांडू है, विराट नगर है, ये सब है। ये नेचुरली पकता है, आप इसको दवा से नहीं पका सकते हैं, दवा से पकाएंगे खराब हो जाएगा। अच्छा, ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का जितने फ्रूट हैं सबसे बेस्ट फ्रूट है, नेचर में पकता है ये। इस 45 डेज में कोई भी फ्रूट पक करके रेडी नहीं होता लगाने से लेकर के, जैसे आप बिरुआ लगा दिए, लगाने के बाद 45 डेज में कोई फ्रूट इतना जल्दी लगाने के बाद फ्रूटिंग नहीं देता है। और इतना फ्रेशनेस जो होता है इसका, इसको हर चीज़ में काम आता है, जैसे आप इसको आइसक्रीम बनाने काम आता है, कवर्ड चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, चीज़ कवर्ड स्ट्रॉबेरी, ऐसी टाइप में ढेर सारी यूज होता है। आपका आइसक्रीम है, फिर ढेर सारी जूस में यूज होता है इसको, इसके फ्लेवर को शैम्पू है, बॉडी लोशन है, साबुन है, सब कुछ इससे बनता है, इतना इम्पोर्टेंट इसका है। सुनिए, नहीं आपका जो फॉर्म में जो आदमी लोग एंट्री होता है, क्या क्या चीज़ पहनने और सेवन करने के वर्जित किया गया है यहाँ पर? जैसे गुटखा है, सुपारी है, कोई भी केमिकल लेकर के अंदर वर्जित किया गया, सिगरेट है, ये सब यहाँ नहीं पी सकते क्योंकि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। अगर उसको पुड़िया को खाएंगे और यहीं पर फेंक देंगे, वो तो उसका केमिकल मिट्टी मिल जाएगा, उस केमिकल को निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसलिए सबसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आप लोग इधर में आप फील्ड में टहलने जाओ, लेकिन गुटखा सुपारी इधर ही रख करके आप जब फिर जाओ अपना केमिकल अपने घर ले जाओ, इधर लोगों को मत फैलाओ और लोगों को मत परेशान करो। कौन कौन मरीजों को ये बड़ी लाभदायक होता है स्ट्रॉबेरी? ये लाभदायक आप इंटरनेट में पढ़ेंगे तो स्ट्रॉबेरी के बारे में सभी कुछ दिया हुआ है। इसमें विटामिन बी होता है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर जिसका बॉडी कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मोटापा कम होगा उसको, और इसमें कैंसर को पीड़ित मरीजों को भी कंट्रोल करके रखता है, कैंसर नहीं होने देता है इसको खाने से। ये सब आप इंटरनेट बुकों में पढ़ोगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा आपको, किसी डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो पूरे डिटेल्स आपको बताएगा। ये अभी यहाँ पर काफ़ी विजिटर आते हैं, 400, 100 से कम नहीं आते, 400, 500, 600 तक लोग यहाँ पर देखने आते हैं डेली। यानी कि 100 से कम कोई नहीं आता, डेली आते हैं यहाँ से, खरीद से भी ले जाते हैं। हमारा यहाँ का सेलिंग करीब 41 kg, 30 kg ऐसे पर डे सेलिंग हो जाता है कस्टमर से यहाँ पर। कस्टमर आके खुद ही ले जाता है, हाँ, बिस्टर ले करके जाता है। और बिस्टर का आता है ऐसा, हमने कुछ लोग कोरिया में भी, जो लोग काम करते हैं अपने घर में आते हैं, इधर में आते हैं, कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, वो लोग भी बताते हैं ऐसा टेस्ट हमने मलेशिया में, कोरिया में, जापान में नहीं देखा। जापान के भी कुछ लेडीज लोग इधर आया था कि मैं जापान में रहती हूँ, मैं आपका फार्म देखने आई हूँ, तो यहाँ का उन्होंने टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा टेस्ट पाया गया इसका। और इसका जो स्ट्रॉबेरी का जो उत्पादन जो शुरू हो गया ना, स्टार्टिंग कौन सा कंट्री से हुआ था इसका कोई? ये इसका हिस्ट्री अलग अलग कंट्रियों का, मतलब कोई बोलता मलेशिया पहले स्टार्ट किया, कोई बोलेगा टर्की स्टार्ट किया, कोई जापान, सबका अलग अलग मत है। अभी कोई ये नहीं कंफर्म करता क्योंकि अभी आप नेपाल के जंगलों में स्ट्रॉबेरी जंगलों में अपने आप पाया जाता है, तो इसका मतलब नेपाल हुआ नेटिव। ऐसे आप इंडिया जाएंगे, इंडिया के जंगलों अपने आप स्ट्रॉबेरी ग्रो होता है। अब उसमें कुछ साइंटिस्ट ने अपना किया, सब अपना अपना दावा करते हैं हमारे कंट्री का, तो सब लोग अपनी अपनी वैरायटी रखे, हजारों वैरायटी है इसमें। हमारे पास यहाँ 4 वैरायटी, कामारोजा वैरायटी है, विंटर डाउन वैरायटी है, और नेविला वैरायटी है, और स्वीट सेशन वैरायटी। और नेपाल में कितना जगह पे है आपका फॉर्म, नेपाल के कौन सा स्तर में है इसका? ये अभी कंपनी का सपना है कि 1000 बीघे में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल का करेंगे, जिसमें सभी 200 एकड़ में शुरुआत हो गया है, जिसमें अभी फ्रूट लगेगा, फ्रूट के बाद उसमें इंटरक्रॉपिंग वेजिटेबल है। और ऐसा प्रोजेक्ट और दूसरे कोई जगह भी दूसरे कंपनी? हाँ, अभी भी चल रहा है, कंपनी का खुद का है, ड्रैगन फ्रूट का प्रोजेक्ट है, चल रहा है, पपाया है, लेमन है, फिर कैरेट है, पीज है, ये सब ग्रो, ऑनियन है,
ये सब का चकचकी में, घेराबारी में और मदर ग्रास में काम चल रहा है। चकचकी में क्या है? चकचकी में अपना लेमन है, कैरेट है इस समय, और पीज है, और रूट क्रॉप है, ऐसे कुछ है। चकचकी में कितना क्षेत्रफल में? चकचकी में करीब 15 बीघा है वहाँ पर। 15 बीघा में अभी फार्मिंग हो रही, बाकी वहाँ 35 बीघा है टोटल। राइस भी अभी साल हुआ था, ब्लैक राइस का भी फार्मिंग ऑर्गेनिक किया गया है, फिर अभी राइस का होगा उसमें। वो डाउन एरिया है, तो डाउन एरिया में कुछ सिलेक्टेड क्रॉप ही लिया जा सकता है। अब विशेष किस चीज़ के लिए आए हो नेपाल, इंडिया से? हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आए हैं, किसी भी क्रॉप का, फ्रूट वेजिटेबल, ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल का हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कमर्शियल ऑर्गेनिक। कब तक रहेंगे? ये अभी हमारा कंपनी का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल अभी हम यहाँ रहेंगे नेपाल। ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना नेपाल? हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। इससे आगे क्या कर रहे थे आप? इसके पहले हम जो है अदानी में काम करते थे, टाटा में काम करते थे, फिर मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में काम करते थे। तो हमारे पास में 15 साल का एक्सपीरियंस है फार्मिंग का, लैंडस्केप का और प्लांटेशन का। फिर फ्लावर शो में हमने फर्स्ट प्राइज लाया, अपने मानव रचना को दिया पूरे NCR में। तो इस तरह की चीज़ें हमारे नाम, जैसे हमने एक मटर के पौधे में 100-100 फलियाँ ग्रो किया, हम फार्मूला भी डेवलप किए हुए हैं। एक अरहर के पौधे में 30-30 किलो अरहर पौधा फल लिए हुए हैं। तो इस तरह के हमारे पास ढेर सारे रिकॉर्ड हमारे नाम है। हम ये सोचा कि चलो ये सब किसानों को दे दिया जाए, कंपनी का अपने हमने बहुत दिया, सब कुछ दिया, अब हम किसानों को सब चीज़ें देंगे, वैरायटियाँ। और ये सब वैरायटियाँ किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास में, पूरे वर्ल्ड में राउंड स्ट्रॉबेरी हमने बनाया, किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है। उसको हार्डी बना कर भी हमने मई में भी उसका ग्रो किया है, तो गर्मी के लिए उसको बना रहे हैं। गर्मी में भी स्ट्रॉबेरी आने वाले फ्यूचर लोग खाएंगे। 4-5 साल अगर हम इधर रुक गए तो स्ट्रॉबेरी में रिसर्च करके हम गर्मी में भी उगाना शुरू कर देंगे। टेक्निक हमारे पास है गर्मी में हम कैसे स्ट्रॉबेरी उगाते हैं। अब कैसा लग रहा है? हो सकता है इसी साल आपको अप्रैल में भी मई में खाने के लिए मिले। अभी सपना है, रिसर्च कर रहे हैं, अगर सक्सेस इधर हो जाता है, उधर तो हमारा छत्तीसगढ़ में सक्सेस हो गया था, इधर में अभी हम कर रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी फार्मिंग का हम लोग पहले भी रिपोर्टिंग किया था। हाँ। और आप जो लैंग्वेज में बात करता है, हाँ, हिंदी में बोलता है, आपको नेपाली समझ में आता है लेकिन बोल नहीं सकता है, इसलिए बहुत लोगों ने वो रिस्पॉन्स भी ऐसा किया है कि ये तो इंडिया का फार्मिंग है, इंडिया का आदमी है, ऐसा बोल। क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ये जो कंपनी का मालिक है, NMB बैंक के जो चेयरमैन है, उन्हीं का ये है, और वो 60 साल से यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, 60 ईयर्स हो गया, वो यहीं पैदा हुए हैं, और 60 साल से उनका बिजनेस इधर में चल रहा है। विराटनगर में उनकी 3 फैक्ट्रियाँ हैं, और मेन उनका बिजनेस तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, टेक्सटाइल्स का है, और उसके बाद होटल का है, ये सब बिजनेस है। बाकी जो प्रेस मट बनता है वो भी कंपनी का रिलायंस से जॉइंट वेंचर है विराटनगर में। कितने समय हो गए नेपाल आते आए हुए? हमको, हम यहाँ 4 सितंबर को आए हैं, और एक महीना यहाँ पर बारिश बहुत भयंकर हो रही थी, तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, प्लान ही बनाए इसका। प्लान बनाने के बाद अभी हम 28 अक्टूबर से हम यहाँ पर प्लांटेशन करके इसका इम्प्लीमेंट किए हैं। अब हम अंत में आ गए हैं, आपको कैसा लग रहा है नेपाल में आकर ऐसे काम करने? नेपाल में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण ही नहीं है, जो इतना कम प्रदूषण समझिए है ही नहीं है, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा आया। हम आशा भी नहीं किए थे इतना अच्छा टेस्ट आएगा इस मिट्टी में, और यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और इस क्लाइमेट में मिट्टी भी जेन्युइन मिट्टी है, पूरा वर्जिन मिट्टी है, इसमें कोई भी ज़्यादा केमिकल कोई यूज नहीं किया कभी फ्यूचर टाइम में, इसीलिए यहाँ और अच्छा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्फ्रेंस। ओके, वेलकम, थैंक यू आपको भी, जो आपने हमारा इंटरव्यू ले करके लोगों को बताया यहाँ पर खेती हो रही है, और इससे ढेर सारे लोग इफेक्टिव भी हुए हैं, कि उनको प्रॉफिट भी हुआ है, अच्छे फल खा रहे हैं, ताज़ा फल, दूसरे देश का ना सही, अपने ही देश में फल ग्रो हो रहा है और खा रहे हैं फ्रेश फ्रूट। ये मीडिया वालों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और आप लोग ही हैं जो कि ये आज स्ट्रॉबेरी को गली गली में, घर घर में लोग जान रहे हैं, ये सब आपकी देन है। सूचना तथा मनोरंजन को साथी वेब नेपाल।